यही दर्श देता है हमें हर शाम का सूरज इकबाल, यही दर्श देता है हमें हर शाम का सूरज इकबाल। मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। 8 अक्टूबर 2023 परभनी ज़िले में पंजाब के शेर फखरे हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी, जो कि शाही इमाम पंजाब के हैं, उनका यहाँ दिन भर परभनी ज़िले में दौरा था और सुबह परभनी ज़िले के सेलू तालुके में मदीना मस्जिद स्टेशन के पास वहाँ पर जलसे आम रखा गया था, जिसमें तहफ़ुज़े ख़त्म नबूवत पर यहाँ पर शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी इनका बयान हुआ और संगे बुनियाद रखी गई मदरसा और मस्जिद तहफ़ुज़े ख़त्म नबूवत सेलू के अंदर। और उसके बाद वहाँ से हज़रत का काफिला परभनी पहुँचा, जिसमें पहले शुरू सुबह जो परभनी शहर का धार रोड पर गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बयान रखा गया था, जिसमें मौलाना ने वहाँ पर ख़िताब किया, शाही इमाम इन्होंने ख़िताब किया, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पर आए थे, ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद थी। उसके बाद नूरानी मस्जिद मरकज़ अपना कॉर्नर, यहाँ पर उलमा इकराम के साथ वहाँ पर ख़िताब हुआ मुफ्ती साहब का, शाही इमाम साहब का। और उसके बाद शाम में इशा के बाद परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज प्लेग्राउंड, यहाँ पर अजीम शान जलसे आम रखा गया था, जो मेरे पीछे आप ये बैनर देख रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो यहाँ पर शाही इमाम पंजाब इन्होंने जो ख़िताब फरमाया और एक आईना दिखाया हमारे कौम को कि जिस तरह से आज हमारी कौम गुमराही की तरफ जा रही है और दिन ब दिन हम बेदीनी फैलती जा रही है, और हमें अल्लाह की मज़बूत रस्सी को पकड़ना चाहिए और कौम मिल्लत की जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं और इन दिनों जिन परेशानियों से कौम मिल्लत गुज़र रही है, उसमें सब ने मिलकर एक साथ रहकर कंधे से कंधा लगाकर अपने तमाम मुसीबतों के हल को ढूंढना चाहिए। और ये सब हो सकता है जो आपने यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ना है। और आज का दिन भर का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, ये पूरा प्रोग्राम मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रखा गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्ले ग्राउंड, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पंजाब के शाही इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी को सुनने के लिए आए थे। और जिस तरह से लोग हज़ारों की तादाद में आए थे, वैसे ही यहाँ पर उन्हें जो बातें और जो क़िबला ने यहाँ पर ख़िताब फरमाया वो सुनने को मिला। यकीनन यहाँ से जब लोग बयान सुनने के बाद वापस जाएंगे तो परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले में, आस पड़ोस के ज़िले में एक इनकलाब ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। जरूरतों के पीछे फतवे लगाते, जरूरतों के पीछे एक दूसरे की तंकीद करते। कुरान ने कहा वहां तस्मू भी अब्लिल्लाह जमीया, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। लेकिन इससे बड़ी बात आगे फरमाई, वाला तो फटू को फरमाया आपस में लड़ना नहीं। हमने दीन को क्या समझा, हमें तो पता ही नहीं इस्लाम है क्या। जलसे भी जो हम करते हैं वो गालिब का शेर है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल। अक्सर मैं बहुत कम पंजाब से बाहर जाता हूँ। जब शुरू शुरू मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना अब्दुल्ला ने भेजना शुरू किया, हमारे पड़ोस के जो दो तीन सूबे हैं, जब वहां जलसों में मैं जाता था तो मुझे पता लगा ये जलसों में तो बस कोरमा बिरयानी बना रहे, तो पटेल पटेल की तारीफ कर रहा है, पठान पठान की कर रहा है, मेहमान मेहमान की तारीफ कर रहा है। इनके पास इस्लाम तो है नहीं, इनको तो पता ही नहीं कि दीन होता क्या है। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाउजुबिल्लाह बाद में बात करते हैं, अपनी जमात की बात पहले करते हैं, अपने मसलक की बात पहले करते हैं, की बात पहले करते हैं। और इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन को मुअख्खर कर दिया, अपने मजहब को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने असूल को, अपनी मस्जिद की प्रधानगी को अव्वल रखा, दीन को मुअख्खर कर दिया। तो फिर अल्लाह इनकी दुआ कैसे सुन सकता है, कैसे सुन सकता है। दीन का मकसद क्या है पता है आपको? दो लफ्जों में इस्लाम बयान होता है। कितने लफ्जों में आप बताओ, कोई बंदा आप में से खड़ा होगे वो दो लफ्ज मुझे बता दे, अपने तरीके से बता दे कि दो लफ्ज क्या है।
बताई रही है। क्यों? कुरान तो हम पढ़ते नहीं, हदीस पढ़ते नहीं, हमको फतवा चाहिए। क्या चाहिए भाई? फतवा किसके लिए? किसके लिए फतवा मांगते हैं? अपने भाई के खिलाफ, अपने सदर के खिलाफ, अपने जिम्मेदार के खिलाफ, अपने इमाम के खिलाफ, अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं आज तक, अपने साथ के लिए तो कुछ मालूम ही नहीं किया, हमको तो दूसरे के लिए फतवा चाहिए। अब जिनको दूसरों के लिए फतवा चाहिए तो दुआ तो दूसरों की कबूल होगी ना, तुम्हारा क्या दिल लेना देना अल्लाह के साथ? के ऊपर जो लोग हमला करते हैं, कोई कादियानियों की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में, इनको किसने मौका दिया? ये हम लोगों ने जब रसूलुल्लाह की जात को लेके हम बहस करने लगे, हमारी औकात नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेके बहस करें। सुना करते लोगों का मसला क्या? नमाज इसलिए ताकि आप अच्छे बन जाए, किस लिए थी? और मस्जिद किस लिए? कि रसूलुल्लाह ने कहा कि नमाज जमात से पढ़नी, किससे? या रसूलुल्लाह जमात से क्यों पढ़नी है? फरमाया ताकि तुम कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो जाओ। या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। या रसूलुल्लाह दिलों के मिलने से क्या होगा? ताकि एक अच्छा समाज बनाया जाए जिसमें मोहब्बत हो, शफकत हो, एक दूसरे का साथ हो। अगर फजर में उस्मान ना आए, जोर में ना आए, असर में ना आए, तो मगरिब के यार उसके घर पहुंचे, हम तो दाएं वालों को भी हमारे साथ भूखा है, मस्जिद के कौन सा पड़ोसी में बेवा औरत है, मस्जिद के किस पड़ोसी के पास जरूरत नहीं है, ये किसने कहा कि मस्जिद में बेहतरीन बिरयानी की देके खाते रहो और तुम्हारे पड़ोसी अपने बच्चों की फीस न दे सके? ये सलाम कहां से लेके आए? कहां से लाए? किसने समझाया? सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर पड़ सकता है? नहीं। तो एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप होता है उसमें एक्सी का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं? तो ये रसूलुल्लाह का दीन है, अपनी मर्जी से नहीं चलने वाला। मर्जी किसकी चलेगी? रसूलुल्लाह की चलेगी। उस मर्जी को तलाश करो, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़िए, कुरान को समझिए, अपने पास से मसले मसाइल ना बनाइए। रसूलुल्लाह रोजा रखते थे, सुने? रसूलुल्लाह रोजा रखते थे रमजान के अलावा, सहरी करते थे, अफ्तारी नहीं करते थे, दूसरे दिन सहरी होती थी, फिर सहरी नहीं करते थे, फिर दूसरे दिन शाम को इफ्तार होता था, इफ्तार नहीं करते थे, फिर तीसरे दिन सुबह को सहरी होती थी, सहरी नहीं करते थे, फिर तीसरे दिन शाम को जाके इफ्तार करते थे, तीन तीन दिन के रोजे रखते थे। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह हम भी ऐसा रोजा रखे, फरमाया तुम में मुझ जैसा कौन है? रसूलुल्लाह बशर हैं, इंसानों में से हैं, लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं है। एक डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, उसकी डिग्री सही नहीं है कि सही है, ये एक डॉक्टर सही तरह बता सकता है कि एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला बताएगा? हाँ जी, डॉक्टर बताएगा। खेत के अंदर किस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जा सकती है, ये वो बता देगा या मौलवी साहब बता देंगे? मेंबर वाले कौन बताएगा? किसान बताएगा। एक मशीन खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, तो उसको क्या कारपेंटर ठीक करने के लिए बुलाया जाएगा? तो नबी की शान क्या है ये कौन बता सकता है? शरीयत ने कहा है कि नबी का मर्तबा क्या है ये सिर्फ नबी जान सकता है, और रसूलुल्लाह जब आए तो उनके बाद कोई नबी नहीं आया, तो फिर रसूलुल्लाह का मर्तबा किसने बताना था? रसूलुल्लाह का मर्तबा फिर अल्लाह ने खुद बताया, फरमाया कि इनको रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, फिर फरमाया कि इनको साहिब खुल्के अजीम बनाया, फिर फरमाया कि इनको खातिमुन नबीयीन बना दिया। अब जिनका मर्तबा खुद अल्लाह ने बयान किया हो, जिनको अल्लाह ने कहा हो कि मैं अपने नबी पे दुरूद भेजता हूं, तुम भी रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजो। हम उस नबी
नाजी धाम के सामने क्या बात कर रहा हूं। लेकिन पहली मरतबा मौलाना महाराष्ट्र में आए और बड़े जिले में आए, उनके हाथ से मस्जिद का संगे बुनियाद भी हुआ और यह प्रोग्राम मस्जिद भी हालांकि घर में रखा गया। आज से 200 साल पहले डॉक्टर सर मोहम्मद अकबाल का जन्म हुआ था, वो भी हिंदुस्तान के मायनास शहर में, उसी सूबे से बड़ा हो। अल्लाह से करे दूर वो तालीम है फितना, अल्लाह की जागीर भी फितना, नहा के उठे शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। बिना वजह नारे तकबीर के नारे लगाना, बिना वजह मस्जिद के अंदर जोर जोर से शोर शराबा करना, ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे नारे मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर, अल्लाह और रसूल की बात मस्जिद के अंदर सब इत्मीनान से सुने, ये कहना चाहता हूं। आने का मौका मिला, आप हजरात की मोहब्बतें काबिल कदर हैं, लेकिन इसके साथ में बात को याद रखें कि अच्छा इंसान जो होता है तभी वो अच्छा मुसलमान बन सकता है। बहुत सारे फतवे नस्लें पूछने की बजाय इत्मीनान के साथ कभी किसी रोते हुए को हंसाया, क्या हमने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया, क्या हमने कभी सड़क पर रास्ते से पत्थर हटाया, क्या हमने कभी अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत का इजहार किया, क्या हमने कभी किसी बेटी की तरफ जब आंख पड़ी तो फौरन तौबा पढ़ते हुए नीचे किए। अगर कुछ ऐसा नहीं किया तो अभी हम मुसलमान नहीं, मुसलमान वही जिसका ईमान उसे हराम चीजों से रोके हलाल काम की तरफ उसको बढ़े। लेकिन हम तो सोचते बस हलाल गोश्त खाने मुसलमान बनाओ, तीनों टाइम गोश्त खाने वाला भी बंदा अपने बड़ी अच्छा हो, अच्छा इंसान नहीं, जो सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते हो वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी गोश्त खाते थे, एक दिन खाते थे एक दिन फाका रखते थे, सब्जी खाते थे कद्दू खाते थे दूध पीते थे। ये हमने नया इस्लाम बनाया कि बस गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, जिसको गोश्त नहीं खाना आता मुसलमान, तो दिमाग मोटा हो गया, काम की बात नहीं निकल रही, एक दूसरे की मुखालफत निकल रही, एक दूसरे की टांगे खींचते, एक दूसरे को बुरा कहते, एक दूसरे की बुराई करते, अच्छा इंसान ऐसा तो नहीं। किस पेड़ पे आम लगते हैं लोग उसको पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारता है, अच्छा इंसान ऐसा नहीं होता, अच्छे बनिए बनिए अच्छा, दुआ कीजिए रात को पूरा कर। इल्लाहु रहमान रहीम, अल्लाह
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي तमाम हजरात से दरख्वास्त है हजरत को आने के लिए जगह दे, दुश्वारी पैदा ना करें। हम मुसलमान हैं, मुसलमानी का मुजाहरा करें, ये मुसलमान के अखलाक नहीं है। कुरान शरीफ की तिलावत शुरू हो रही है, इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कुरान करीम की तिलावत शुरू हो रही है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اس عاقا پر ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس موسم عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا نئی راہیں دی نئے موڑ دیے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں ایک غلام رو رہا چکی پیس رہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رک کے
रोता क्यों है? कहने लगा कि मेरा जो मालिक है उसने मुझे कहा है कि चक्की पीसो, लेकिन मुझे बुखार है, जिस्म में दर्द है और इस डर से चक्की पीसता हूं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहते वहां से चले गए। वो गुलाम कहता है कि मेरे दिल में आया कि बहुत से लोग सड़क से गुजरते मुझे रोता हुआ भी देखते, बिलखता हुआ देखते, एक दो लफ्ज मोहब्बत का कहते, बाद में कोई आता नहीं है। अभी सोच ही रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गए, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूरें, और आके उसको खजूर खिलाई, दूध पिलाया और फरमाया तो इस बिस्तर पे लेट जा, तेरी जगह चक्की मैं चला दूंगा। क्यों? ताकि तू बीमार है। अरे वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा आका आ गया कि जो काले लोगों को, हबशियों को, गरीबों को, मिस्कीनों को ये कहता है कि तू अपनी जगह आराम कर, मैं तेरी जगह चक्की पीस दूंगा। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है अपने चचा के घर गया, उसके बाप के इंतकाल हो चुका है। कहने लगा चचा मेरी माँ लोगों के घरों में कपड़े और बर्तन धोने जाती है तो उसका कुर्ता फट गया है, लोग उसको देखते मुझे शर्म आती है, खुदा के लिए एक जोड़ा कपड़े का दे दो, एक चादर दे दो, मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवाऊंगा। चचा कहने लगा कि 4-5 साल जब से तुम्हारा बाप मरा है तुम हर काम के लिए मेरे पास आ जाते हो, जाओ भाग जाओ, मैं कुर्ता कपड़ा नहीं दे सकता तुम्हें। वो बच्चा मायूस होके निकला, रोता हुआ घर को जा रहा है, रास्ते में कोई मिला, बच्चे रोता क्यों है? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फटा हुआ है, हम गरीब हैं, पैसे नहीं है, कुर्ता खरीद नहीं सकते, किसी ने अभी तक दिया नहीं, चचा के पास मांगने के लिए गया था उसने भी इनकार कर दिया। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तुझे एक चौखट का दरवाजा बताता हूँ, वो चौखट है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठते हैं, तू उनके पास जाना, तुझे माँ के लिए चादर मिल जाएगी। वो बच्चा पहले अपनी माँ के पास गया कि चचा ने तो इनकार कर दिया, मुझे किसी राहगीर ने मशवरा दिया है कि तू रसूलुल्लाह के पास जा। कहने लगी बेटा बिल्कुल नहीं जाना, मैंने सुना है अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाउज बिल्ला देख ले, कोई उनसे बात कर ले, फिर उन्हीं का हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि हम अपना बाप दादा का दीन छोड़ दें, बेटा वहां नहीं जाना। बच्चा तेज था, मां को कहने लगा अम्मा जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरा बदन नंगा होता है, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं जाके पहले कह दूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका दीन कबूल करने नहीं आया। ऐसा कोई लीडर है जिसको कोई जाके बोले कि तुझको वोट नहीं देंगे हमारा काम करेगा? ऐसा कोई सरमायादार है जिसको मौलवी जाके बोले कि तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा हमारे मदरसे को चंदा देगा? ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसको कोई रिश्तेदार बोले कि तेरी इतनी इज्जत नहीं करूंगा तू मेरे लिए काम करेगा? कोई नहीं सिवाय रसूलुल्लाह के। वो बच्चा गया खाने काबा में, नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठा करते थे, जाके सलाम भी नहीं, दुआ भी नहीं, सीधे जाके कहता है ए सुनो जी मैं आपका दीन कबूल करूंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहेंगे प्यारे बच्चे बैठ जा, बात बता क्या है? कहने नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लो, मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं आपका दीन नहीं मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के पूछा बच्चे बात क्या है? कहने लगा मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं तो आप अगर मुझे एक चादर दे दे मैं अपनी माँ का कुर्ता सिलवा लू, कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पर, फौरन अपनी रहमत वाली चादर उतार के उस बच्चे की गोद में रख दी।
कौन सी चादर, कौन सी चादर भाई? रहमत वाली, ताहा, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। पता है रसूलुल्लाह कौन है? आपको पता है रसूलुल्लाह कौन है? शेख साजी ने रसूलुल्लाह पे नात लिखनी शुरू की। खूबसूरत हो ना, और उसके इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम हो, तो वहां एक चुल्लू कटोरी का भी रख दो, ताकि उसके सदर और मेंबर उसमें डुबकी लगा सके। क्योंकि हम दीन को जानना चाहते हैं। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह इस्लाम के खिलाफ बात करता है, क्यों? क्योंकि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का जो विजन है, रसूलुल्लाह का जो मकसद है, वो इतना अजीम है कि जितने दौलतमंद है उनको इस मकसद से डर लगता है। और वो मकसद क्या है पता है आपको? वो मकसद क्या है भाई, पता है? वो मकसद नहीं पता होगा। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। अब पहले जरूरियात की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर ये पंडाल लगाया, ये हमारी जरूरत थी, क्योंकि आज हमने आना था आपसे बात करने। अगर ये पाइप नहीं लगाते तो ये जलसा हो सकता था कि नहीं? बोलो भाई, गोश्त नहीं खा मुझे, खा। अल्लाह की कसम, मैं 3 दिन हो गए महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुसलमान ही उसको बोलते जो गोश्त खाते। 10,000 में पूरा हदीस सुना दे। अब वो अपने बच्चों को पालेगा कि सुबह शाम सीरतुल नबी पढ़ के आपको रोज रात को रसूलुल्लाह की जिंदगी के एक पहलू को बताएगा। मेरे पास जब महकमा आया मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाने का, पंजाब में तो जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आई, जब ऑर्डर किए तो जितने दुनियादार मेंबर थे वो रोने लगे, बोले नहीं नहीं उस्मान भाई ज्यादा हो गया, कम करो। तो उनमें एक दुनियादार जो मेंबर था, मेरा दोस्त था वो कबोर्ड का, तो मैंने उसको बोला ये जूती कितने की लाए हो, बहुत अच्छी है। तो मुझे कहने लगा उस्मान भाई ये तो 22,600 की है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो मियां, कि तुमको तो जूतियों की जरूरत है, मौलवियों की जरूरत नहीं है, जूतियों की जरूरत। आलिम अगर ऐसा होगा जो अपने बच्चों से, बीवी के खर्चों से बेनियाज हो जाएगा, हैं ये वो सारे, लेकिन जब ये अपनी दुनियावी जरूरतों से बेनियाज हो जाएंगे ना, रोज तुम्हें बोलेंगे कि इब्ने तहाई को बुलाओ, इसे रोज बोलेंगे कि साहिब तबकात की किताब लेके आओ, ये कभी कहेंगे बुखारी की शरह लाओ, कभी कहेंगे किताबुल मुखाजी लाओ, कभी ये कहेंगे निसाई की शरह लाओ, कभी ये कहेंगे अबू दाऊद शरीफ लेके आओ। क्यों? ताकि इनको पता है कि हमने रसूलुल्लाह को पढ़ना है, तुम्हें बताना है कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, सवारी कैसी थी, कारोबार कैसा था, खेती कैसे करने के लिए गए, बीवी के साथ कैसे वक्त गुजारा, बेटी को कैसे इज्जत दी। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो शादियों में लुटाने के लिए है, दीन पे खर्च करने के लिए है नहीं। अपनी शनाख्त को तब्दील नहीं करेंगे तब लोगों को पता लगा ओ ये बिलाल में मुसलमान हो गए, फिर बिलाल के गले में रस्सी है, फिर बिलाल की छाती पर पत्थर रखे गए हैं, फिर बिलाल को मारा गया है, फिर बिलाल की आंखों में रेत डाली गई है, फिर बिलाल को गली मोहल्लों में खींचा जाता रहा, लेकिन कोई बिलाल को डरा नहीं सका। रोज निकलते हैं बाजार में, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो जोर जोर से क्या कहते हैं, अल्लाहु अहद, जोर जोर से क्या कहते हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, बिलाल हाजिर है। लोग पत्थर मारते हैं, गए रसूलुल्लाह का नाम ले रहा, पत्थर मारो इसको। एक दिन मार खा के घर पहुंचे, रोज का काम था, मार खा के घर पहुंचे तो अम्मा ने कहा बिलाल हम ऐसा करते मक्का छोड़ देते,
बड़े हैरान हुए क्योंकि रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। अपनी माँ को दोनों कंधों से मैं आपस से पकड़ा, कहने लगा माँ ये बात तुम्हें समझाई किसने, ये बात कौन समझाया तुम्हें कि हम मक्का छोड़ दें। अम्मा हिजरत तो वो करते हैं जिनके पास कुछ हो, सवारी हो, कहते हो लेकिन कभी कुरान भी पढ़ो, कुरान में क्या लिखा, क्या लिखा कुरान में? फरमाया कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज मुत्तकी ये कोड किया गया आज के अंदर। फरमाया नमाज तुम पर इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें कर दे। और फिर एक जगह और फरमाया कारी साहब अरे तल्ला जी बढ़िया ना अरे तल्ला जी ये आज इसलिए पढ़वा रहे हैं सारी नमाज में पढ़ते हैं क्या आई तल्ला जी युकसिबु बिद्दीन फजालिक अल्लजी यदूम वला यौसु अलामिल मिस्किन फवैलुल मुसल्लीन। फरमाया उन नमाजियों के लिए बर्बादी है, खराब है इनकी नमाज। किसकी? फरमाया जो यतीम का माल खाते, जो बदमाशी करते हैं, जो आंखों से जिना करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। पता ये लगा कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म इसलिए है कि हम नमाज के जरिए अच्छे बंदे बन जाए। अब कोई बंदा नमाज भी पढ़ता हो फिर मैं अपनी पंजाबी की एक बात कहता हूं कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बड़े शायर गुजरे, अल्लाह के वली थे, फरमाने लगे कि नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आग ही कीती जाने हो। मतलब नमाज भी पढ़ता है ठगी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है छुआछूत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है पड़ोसी से भी लड़ता है। तो किस बेवकूफ ने कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो? ये नमाज नहीं पढ़ते, तुम दिखाने का तमाशा करते हो। मैं पूछ रहा था मुफ्ती साहब से, आपसे भी पूछ लेते पहले, ये डंडे वाले का क्या नाम था बिल्कुल क्या, ये निहाल भाई मस्जिद क्यों बनाई है? अल्लाह की इबादत के लिए। ये पहला बंदा जिसने सही जवाब दे दिया। आप बताओ जी मस्जिद क्यों बनाई? अल्लाह ही की बात। आप जी आ? बोलो मेरे भाई अल्लाह की। आप जी ये सारे इबादत गुजार है माशाल्लाह। आई मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे पूछो क्या इबादत घर में नहीं हो सकती? इबादत घर में नहीं हो सकती क्या? हा? अरे बोलो, इतने इतने बड़े मुफ्ती तो आप लोग खुद ही हो माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी बात पे फतवा देते रहते लोगों के खिलाफ। मैं बीते अल्लाह अकबर, कभी अपने गिरबान में भी बटन खोल के झांक के देखा कि इसके अंदर कितनी बिदत घुसी हुई? ये नमाज घर में नहीं हो सकती? हो सकती है। और पांच नमाजें फर्ज हैं, कितनी? और बोलो भाई, फजर, असर, ईशा, ठीक। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, पांच नमाज। लेकिन अगर मैं हजरत से पूछूं तो बोलते हैं कि एक और नमाज है जो इनसे ज्यादा पावरफुल है, इनसे ज्यादा बरकत वाली है, इनसे ज्यादा अजमत वाली है। पूछे कौन सी नमाज? बोले तहज्जुद की नमाज। कौन सी? तहज्जुद की नमाज। अच्छा, तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। अजान? तहज्जुद में नहीं। इमाम? नहीं। इमाम भी नहीं। अच्छा, जो इनसे भी पावरफुल नमाज है उसमें मस्जिद की भी जरूरत नहीं, इमाम की भी जरूरत नहीं, अजान की भी जरूरत नहीं। तो फिर ये पांच नमाजों के लिए इतना बड़ा जुगाड़ कैसे लगाया? क्यों पता है? घास छील रहे सारा दिन। इसीलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए,
फतवे अभी उसमें से निकल जाएंगे, मसले भी उसी में से निकलेंगे, कुरान की तफसीर भी उसी में से निकलेगी, ताबीर भी उसी में से निकलेगी, दस्तूर भी उसी में से निकलेगा, तहजीब भी उसी में से निकलेगी। हमने अगर कुछ छोड़ा है तो अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को छोड़ा, बाकी आलतू फालतू सारी चीजें हमने पकड़ी हुई है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बनाए? इमाम बुखारी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस उसमें मौजूद है। इमाम नसाई जवाब देते हैं, इमाम दाऊद जवाब देते हैं, तंजुल ईमान में लिखा है, पढ़ लो जिस मर्जी किताब को, चाहे वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हो, चाहे वो बरेली के इमाम हजरत मौलाना अहमद रिजा खान बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हो, पढ़ो जिस मर्जी इमाम को, वो कहते हैं कि मस्जिद इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है। और अगर हम पूछते हैं या रसूलल्लाह मस्जिद में करना क्या है, तो करीम रसूल ने फरमाया था कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज। फिर सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा, वो बोलो कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़नी है। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। की फर्ज है, ये इस्लाम का रुकन है, इस्लाम का सतून है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इनसे भी पहले रसूलल्लाह का एक विजन है, वो विजन क्या है अब पता है आपको? पता है भाई? नहीं तो पहले वादा करो भी तनख्वाह बढ़ा दे। आहिस्ता बोलते हैं मौलवी, हाल देख लो यार अगली नमाज इंशाल्लाह, ये तुम्हारी बात है, आवाज ही नहीं आ रही। विजन ये है कि जो चार लोग पहले मुसलमान हुए, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मौला अली करमुल्लाहु वज्हु, जब ये मुसलमान हुए तो उस वक्त नमाज की फर्जियत का हुक्म बोलो नहीं था, रोजा नहीं था, हज नहीं था, ज़कात। तो इन्होंने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलल्लाह आप पर ईमान ले आए आप क्या करना है? आप पर ईमान ले आए आप क्या करें? तो प्यारे करीम रसूल ने अपना विजन बताया, अपना टारगेट बताया, अपने आने का मकसद बताया, उस इरादे को जाहिर किया जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा मजहब है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ जुबान वैसी नहीं होगी, लहजा वैसा नहीं होगा, चमड़ी का रंग वैसा नहीं होगा, हवा की खनक वैसी नहीं होगी, पानी का टेस्ट वैसा नहीं होगा। अगर कुछ एक जैसा है तो थोड़े या बहुत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग एक जैसे हैं। ये कैसे पहुंच गया इतनी दूर तक? ये दीन इतनी दूर तक कैसे पहुंचा भाई? कभी पूछा? नहीं पूछा, हमारे टाइम ही नहीं है, हमको तो टाइम नहीं है। हम तो ये पूछते हैं कि बरेलियों के खिलाफ क्या बात करनी है, देवबंदियों के खिलाफ क्या बात हो सकती है? हम तो ये बोलते हैं कि पटेल पटेल की बेटी के घर रिश्ता करेगा, मेमन मेमन के घर करेगा, अंसारी अंसारी के करेगा, पठान पठान के करेगा। तो इसलिए हमको तो विजन से कुछ लेना नहीं है। और रसूलल्लाह का विजन क्या है? फरमाया मैं दुनिया को एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ ये बताने के लिए आया हूं कि जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ लिया, अब उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को, खा उनका मजहब कुछ भी हो, उनको बराबरी का दर्जा देगा। फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज ही नहीं कि वो किसी को अपने से कमतर समझे। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट डॉक्टर लैन परभनी, परभनी आईसीयू सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पास सोमानी कलर होम के सामने। सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट जो कि ऑल टाइप ऑफ मोबाइल कवर, बैक कवर, जो कि सिर्फ
₹50 इसकी कीमत है। होलसेल में आपको ये मिलेगा और ऑल टाइप ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का बैक कवर आप ₹50 में ख़रीद सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास ₹50 में, केबल ₹50 में, हेडफोन ₹50 में, ब्लूटूथ हेडफोन ₹150 में, चार्जर ₹120 में, एयरबड्स ₹250 और स्मार्ट ब्रासलेट ₹220 में। तो सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिटेल रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पर आपको ऑल टाइप ऑफ मोबाइल के एक्सेसरीज वाजिब दामों में होलसेल रेट में आपको मिलेगी। एक बार ज़रूर विज़िट करें सिटी मोबाइल होलसेल एंड रिपेयरिंग पॉइंट, डॉक्टर लेन, परभनी।